Hey guys, welcome back to my YouTube channel and don't forget to like and subscribe my channel. तो अभी हम फोल्डिंग और पूरा सब कुछ अपना बिस्तर समेट दिया हमने और अभी कुछ दिन से हमारा होता है ना कि मोटर लाइट जो जिसमें से पानी आता है मतलब रशेष वो ख़राब हुआ है एंड वो हम लोग ने तीन बार आई गेस पापा ने उसको करवाया सही बट वो चल गया है। अब वो बोल रहे हैं क्या कि जब बारिश होगी पानी का प्रेशर लाइक पानी लेवल ऊपर आएगा तब पानी आएगा तो काफ़ी पानी की प्रॉब्लम हो रही है बट स्टिल जैसे तैसे अभी मैनेज कर रहे हैं। हमने नया स्टार्ट किया है आइसिंग लाइक फेस वाला तो ठीक है गाइस। तो ये हमारा नाश्ता जो कि हम मेक ही खाएंगे बट मम्मा ने सिर्फ इसको प्यारा दिखाने के लिए दो दे दिया है तब मेरा मन होगा तो हम दोनों खा जाएंगे। ये है नहीं बेसन का चिला और इसके साथ मेरा ये शेजवान सॉसेस ज़रूरी तो आई यूज दिस सॉरी आई ईट दिस तो ये रहा और ये है माते हाथ का। तो ये गदौलिया चौराहे पे इन्होंने नया स्टार्ट किया इस गर्मी सीज़न से लाइक ये शार वाला फिर उसके बाद हम लोग गए थे मारवाड़ी के जस्ट अपोजिट ही नींबू पानी वाले भैया थे तो हम लोग ने वहाँ से नींबू पानी पिया लाइक हमने एज इन सिमन ऐप ने। फिर हम लोग गए थे काशी चाट नहीं सॉरी नॉट काशी चाट विश्वनाथ चाट जो कि है विश्वनाथ गली में। आप जाओगे दो तीन स्टेयर्स है तीन चार स्टेयर्स है वहाँ पे चढ़ के यहाँ पे गोलगप्पे देते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है बट जो भैया बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये उनके जो कोई स्टाफ थे इतना टेस्टी आज उन्होंने नहीं बनाया था। उसके बाद हम लोग ने खाए थे अपने गोलगप्पे जो कि थोड़े से कम टेस्टी थे बट यहाँ के बेस्ट होते हैं। उसके बाद जो हम ला रहा था स्पेशल जो भैया ने बहुत टेस्टी होता है इसमें गाइस तो देयर आर मेनी वेज टू मेक बाटी बट ये थोड़ा अगर आपके पास वो होता है ना पुराना तरीके वाला लाइक आग लकड़ी एंड ऑल नहीं है नॉट आग लकड़ी वगैरह नहीं है तो यू कैन ट्राई दिस लाइक दिस मतलब वो जो भी है आटे का दिस इज़ आटा एंड इसको आप ये फिलिंग वाला है तो आप आटा लो मतलब जो भी बाटी का आटा होता है आप बाटी का आटा लो ना मम्मी बाटी का आटा लो और फिर उसमें उसका फिलिंग्स डालो और डायरेक्ट उसको आप बॉइलिंग वाटर में डालो एंड पानी में क्या क्या रहेगा हल्का सा तेल आप डाल सकते हो कि ताकि वो ये होता है ना वो चिपके ना एक दूसरे में और बस हींग वगैरह कुछ नहीं एंड आटे में ऑब्वियसली सब कुछ रहता है ना हींग वगैरह अजवाइन हींग और सब कुछ नमक सोडा नमक बेसन भी बेसन लाइक वट एवर यू वॉन्ट लाइक आप कैसा वैसा उसका वो बाटी का आपको जैसा भी चाहिए बट तो आप उसको बॉइलिंग वाटर में बॉईल कर लो उसके बाद बॉइलिंग वाटर से उसे निकालो और फिर उसको हल्का सा तेल में या किसी चीज़ में या तो फ्राई ना उसको फ्राई करना है लाइक आप उसको घी में देसी घी में आप इसको बॉइलिंग वाटर से निकाल के जब आप देखो कि वो पक चुका है उसके बाद आप उसको देसी घी में फ्राई कर लो एंड गाइस इट टेस्ट सो गुड। अभी जब हम खाएँगे तो आपको दिखाएँगे ठीक है। और ये हो रहा है दाल का तड़का रेडी तो ठीक है तो ये हो गया हमारा रेडी एंड ये ऐसा बाटी कुछ आता है जब उसको फ्राई करने के बाद ये मेरा दाल फ्राई घी है ये दही है थोड़ा सा चीनी डाला है और ये जो है बैगन का भरता और चोखा तो ये पूरा नहीं है अभी मम्मा को थोड़ा सा इसमें से शेयर करने वाले हैं दिस इज़ माई सैलेड एंड ये है ओवर पूरा लुक खाने का तो आई एम गोइंग टू एंजॉय एंड यू ऑल्सो एंजॉय आप ट्राई करना ये वाला बाटी बनाने का ओके। हम भाभी गए थे चेस्टनट भाभी ने हमें यहाँ से ये शुगर फ्री मिंट्स दिलाए क्योंकि हमें चाहिए थे एंड ये गाइस तो आज मेरे भैया का बर्थडे भाभी ने ऑर्डर करवाया है हस्बैंड एंड डैड एंड ये मेरे बेबी ने पहना भैया उसका टी शर्ट नीचे करी है तो ये हम वीर का टी शर्ट दिखाना चाहते हैं जिसपे लिखा है हैप्पी बर्थडे डैड बट वो इतना कर रहा है कि हो नहीं पाए तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर राधे राधे गुड नाइट।